जिले के राजखेड़ा थाना इलाके में एक ऐसा मानवता को शर्मसार करने मामला सामने आया है जिसमें बेहद कलंकित करने का मामला है। एक मां ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को पैसों की खातिर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना चाहती है। बचपन से नाना नानी के पास रही 16 वर्षीय नाबालिग ने धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत से अस्मत को बचाने की गुहार लगाई। SCP ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए आरोपी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में SP केसर सिंह शेखावत ने बताया कि राजखेड़ा थाने इलाके की 16 वर्षीय नाबालिग ने कार्यालय में आकर एक परिवाद पेश किया। परिवाद में पीड़ित नाबालिग ने बताया कि वह बचपन से अपने नाना नानी के पास रहती है। नाबालिग की परवरिश बचपन से ही उसके नाना नानी ने की है। पीड़ित नाबालिग ने शिकायत पत्र में बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते मई के महीने में लॉकडाउन घोषित हुआ था। इस दौरान उसकी मां भी नाना नानी के पास आ गई। पीड़िता की मां मुंबई में वेश्यावृत्ति के धंधे का काम करती है। पीड़ित नाबालिग ने बताया कि उसने कक्षा 8वीं पास कर ली है। आगे की वह पढ़ाई जीवन में कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है, लेकिन उसकी मां जबरन उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना चाहती है। पीड़ित नाबालिग की मां द्वारा नाना नानी एवं नाबालिग पर दबाव बनाया जा रहा है और नाबालिग को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहती है, जहां नाबालिग की अस्मत का सौदा कराने की जबरन कोशिश कर रही है। पीड़ित नाबालिग ने SP कार्यालय पहुंचकर परिवाद पेश किया है। परिवाद में मां के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। SP ने बताया कि पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर आरोपी मां के खिलाफ अभियान दर्ज किया गया है। राजखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की मां को गिरफ्तार कर आज शाम को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। लड़की इस कार्यालय में उपस्थित हुई थी और उसके द्वारा एक परिवार प्रस्तुत किया गया कि वह अपने नाना नानी के पास रह रही है और बचपन से वहीं पर रह रही है, 8वीं क्लास पास की है और उसकी माँ है वो मुंबई में वेश्यावृत्ति करती है। कोरोना के संक्रमण के दौर में मई माह में उसकी माँ यहाँ पे आई थी और वो भी नाना नानी के पास रह रही है। वो अब जबरन मुझे यहाँ से ले जाना चाहती है और वेश्यावृत्ति के धंधे में डालना चाहती है और इस मेरे नाना नानी मना करते हैं तो उन पर दबाव डालने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रही है, शिकायतें कर रही है। इस संबंध में थानाधिकारी राजाखेड़ा को निर्देश दिए गए थे कि आपराधिक प्रकरण दर्ज करके और अग्रिम कार्यवाही करें। इसके अनुक्रम में थानाधिकारी द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करके और कार्रवाई